नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पर। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme C3 और दोस्तों यहां पर मैं कराने वाला हूं इसका एक क्विक कैमरा टेस्ट। हालांकि इसकी कैमरा कॉन्फ़िगरेशन उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा वेबसाइट पर जाएंगे, मेरे वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो आप अगर बात करेंगे तो वहां पर मैं Realme C3 को एक बेस्ट बजट फ़ोन बताता रहा हूं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कैमरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है या फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में? तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर जो है इसका एक अनबॉक्सिंग कराई है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो है इसका एक कंपैरिजन भी कराया है एक दो मॉडल्स के साथ, रेडमी के साथ कराया है, आपका जो है नोट 8 के साथ कराया गया है, अनबेस्ड कंपैरिजन कराया है। साथ ही साथ हो सकता है आपको एक दो दिन बाद इसका पबजी टेस्ट भी देखने को मिल जाए। तो ये सारे टेस्ट के बाद मैंने इसको आखिर क्यों एक बेस्ट बजट फोन का दर्जा दिया है, तो ये जानने के लिए मैंने एक छोटा सा कैमरा टेस्ट कराया है। क्योंकि हर व्यक्ति का बजट उतना नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे कैमरा फोन परचेज करे या बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन परचेस करें, लेकिन हर आदमी का मन करता है कि वो अच्छी फोटोज लें, अच्छा अच्छा जो है गेम खेलें। तो क्या Realme C3 उनकी जो है जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो भी उनकी बजट में रहकर? तो ये जानने के लिए हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कराते हैं एक क्विक कैमरा टेस्ट। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं है कैमरा के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर एक कैमरा टेस्ट देखते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसका रिव्यू हमारे जो है वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो है आप इसका पबजी टेस्ट देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा और लगभग आज से 2 दिन बाद आपको जो है इसका पबजी टेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जल्दी से चलते हैं, इसको जो है इसका कैमरा टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme C3 को। दोस्तों जो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैमरा टेस्ट से पहले एक बार डिस्प्ले की, दोस्तों यहाँ पर जो आपको साइज़ दे रखा होता है डिस्प्ले का, वो रहता है 6.5 इंचेस का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको जो है छोटा सा कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि आपका 5 मेगापिक्सल का होता है। बात करते हैं बैक सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ट्रिपल कैमरे का सेट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो है डुअल कैमराज होते हैं जो कि 12+2 मेगापिक्सल के रहेंगे। तो फटाफट चलते हैं एक बेसिक सा कैमरा टेस्ट करते हैं। हालांकि यहां पर बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग एक बार बारीकी से देखेंगे इसके कैमरा को। सबसे पहले यहां पर हम लोग नॉर्मल मोड पर एक फोटो को क्लिक कर लेते हैं। जो रेशियो है हमारा वो 4:3 का रहता है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पास से फोटो खींची गई है तो उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप इसकी इमेजेस को, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो ब्लर हो जाता है यहाँ पर, तो कैमरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफोकस हो जाता है कुछ सिचुएशन में। लेकिन अगर आप शार्पनेस की बात करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी शार्पनेस देखने को मिलेगी, कलर कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। हालाँकि यहाँ पर डिस्प्ले का भी अपना एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हो सकता है आप जब फोटो लें तो हो सकता है आपको कुछ कैसा आए, क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं वहां पर। तो आपने यहां पर इस पिक्चर सैंपल को देखा होगा जो कि यहां पर इसका नॉर्मल मोड पर रहता है। अब दोस्तों यहां पर आपको पोर्ट्रेट मोड दे रखा होता है, तो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड पर जाते हैं। तो यहां पर मैं इसी जो है छोटे से फ्लावर पॉट की जो है पोर्ट्रेट मोड पर फोटो को क्लिक कर लेता हूं, फिर दिखाता हूं कि कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ये जो फोटो है हमारी ये पोर्ट्रेट मोड से ली गई है और दोस्तों यहां पर शार्पनेस काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिली है, क्योंकि इस रेंज का जो कैमरा होता है वहां पर इस तरीके की जो क्वालिटी अगर मिल जाती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात आप कह सकते हैं। हालांकि अगर आप कंपैरिजन कराएंगे Realme 5i से या फिर Realme 5 वगैरह से तो वहां से मुकाबले आपको काफी ज्यादा यहां पर अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली यहां पर प्राइस को लेते हुए चलेंगे तो यहां पर क्वालिटी आपको पोर्ट्रेट मोड में अच्छी देखने को मिली है। हालांकि जूमिंग क्वालिटी में हो सकता है आप जैसे ही ज्यादा जूम करते हैं तो पिक्सल जो है आपके ब्लर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है जो क्वालिटी देखने को मिलती है वो उम्दा देखने को मिलती है। दोस्तों यहां पर आपको स्लो मोशन का फीचर दे रखा है, प्रो है, पैरानोमा है, तो एक स्लो मोशन यहां पर आपको एक्स्ट्रा दे रखा होता है। हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शन यहां पर नहीं रहते हैं। दोस्तों वीडियो सैंपल है ये, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि भाई इससे वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल यहां पर आपको नाइट मोड भी नहीं दे रखा गया है, कोई ऐसा मोड नहीं दे रखा है जिसके बारे में हम लोग बात करें। तो यहां पर आपको आप देख सकते हैं बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन दे रखे हैं। फ्रेम की सेटिंग यहां पर आपको दे रखी है, आप अपने हिसाब से यहां पर फ्रेम को सेट कर सकते हैं। अगर आप 16:9 रखते हैं तो आपका काफी हद तक बेहतर रहेगा, आपका फोटो वगैरह काफी अच्छी आएंगी, लेकिन 4:3 रखते हैं तो ये आपके लिए एकदम स्टैंडर्ड होता है जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। बाकी दोस्तों यहां पर मैं आपको HDR मोड पर भी फोटो क्लिक करके दिखा देता हूं कि अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है। लेकिन दोस्तों यहां पर पास में एक छोटा सा फ्लावर पॉट टाइप का रखा है तो उसकी मैं फोटो यहां पर क्लिक करता हूं, देखते हैं कि भाई उसकी क्या रहती है और साथ ही साथ इसकी भी कर ही लेते हैं। तो देखते हैं कि HDR मोड पर भाई क्या परफॉर्मेंस आती है इसकी। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं जो दूर रखा है उसकी,
तो यहाँ पर दोस्तों जो जूमिंग क्वालिटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कहते हैं ब्लर हो जाती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकता है आपको देखने को ना मिले, लेकिन लाइटिंग कंडीशन अच्छी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहता है यहाँ पर ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी मैंने HDR मोड से ही ली है और दोस्तों कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, हालाँकि यहाँ पर आपको शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है कि अगर आप HDR मोड पर फोटोज़ इसकी लेते हैं तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ इसके पिक्चर सैंपल्स दिखाते हैं और वीडियो सैंपल दिखाते हैं और फाइनली अपने रिव्यू देते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, हालांकि यहाँ पर बहुत हाईफाई कैमरा नहीं दे रखा गया है, आपने इसके पिक्चर सैंपल देखे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट इमेज आपको देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते हैं। बजट की बात करें तो ये 7-8 हज़ार रुपये का फ़ोन है अगर आपको डुअल कैमराज देता है और साथ ही साथ आपको ठीक ठाक जो है कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है। मानते हैं जूमिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये कैमरा आपको इसी तरीके का, अगर आपका यही बजट है आप किसी अदर ब्रांड में ट्राई करके देखेंगे तो उससे बेहतर आपको परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो फटाफट इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आए हो तो दोस्तों से शेयर भी करिएगा इसको। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।